हर साल लोगों को सर्दी का इंतजार रहता है, लेकिन इस बार ठंड ने वक्त से पहले ही दस्तक दे दी है, जिससे लोग कांप उठे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली तक सर्द हवाएं जनता की हवा निकाल रही हैं, और अब तो आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी लोगों का जीना मुहाल करेगी। तो क्या है मौसम विभाग का अलर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। नवम्बर का महीना अभी बीता भी नहीं कि ठंड ने दस्तक देकर लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक सर्दी का सितम बरपना शुरू हो गया है। जहां सुबह सूर्य देवता के दर्शन देरी से होते हैं, तो वही रात होते होते लोग कांपने लगते हैं। जब नवंबर में ये हाल है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में लोगों का क्या होगा, यही सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। वही मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में उत्तर भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR पर हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रणाली का प्रभाव हो रहा है। दूसरी ओर दक्षिण भारत के राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में डिप डिप्रेशन एरिया और अरब सागर में लो प्रेशर एरिया मौसम प्रणाली बनी हुई है, जिसका असर उत्तर भारत पर भी हो रहा है। वही ला नीना मौसम प्रणाली के प्रभाव से इस बार शीत ऋतु अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ला नीना के कारण समुद्र तल का तापमान कम हो जाता है और इससे ठंड बढ़ने लगती है। ला नीना के प्रभाव से सर्दियों में हवाएं तेजी से बहती हैं। इसकी वजह से भूमध्य रेखा और उसके आसपास पानी सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। जब समुद्र का तापमान प्रभावित होता है, तो सीधे तौर पर मौसम भी प्रभावित होता है, जिसकी वजह से अगले हफ्ते के आखिरी तक उत्तरी भारत में शीतलहर चलने की संभावनाएं बन रही हैं। इन क्षेत्र के राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी, यानी साफ है कि कड़ाके की ठंड लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।